हे गाइस, इट्स 2024। एआई का ज़माना आ चुका है, सारी चीज़ें एआई बना रही है, अब तो वेबसाइट भी क्यों नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई के थ्रू आप लोग इस तरह की वेबसाइट कैसे बना सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स। 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आपकी इस तरह की वेबसाइट बन जाएगी, जैसे कि रेस्टोरेंट है उसमें एक अबाउट पेज आ जाएगा, ये सब यहाँ पर एआई ही लिख देगा ये सारी चीज़ें। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट चेंज द इमेजेस एज पर योर प्रेफरेंसेस। उसके बाद यू विल गेट मेन्यूज़ एज वेल, इस तरह के वो मेन्यूज आपके लिए बना देगा, ब्लॉग आपके लिए बना देगा, इनफैक्ट कुछ ब्लॉग ये लिख भी देगा आपके लिए, और कॉन्टैक्ट अस का पेज, बुक नाउ का पेज, एवरीथिंग इज डन बाय एआई। एंड एआई के थ्रू यहाँ पर मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाई थी, कुछ इस तरह की बेसिक सी इसने वेबसाइट बना के दी है, एंड बहुत सारी इमेजेस पे भी इसने लोचा किया है थोड़ा बहुत। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट तो इसने अच्छी नहीं बनाई है, बट हाँ, अगर आपको सिंपल वेबसाइट्स बनानी हो तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आप लोग भी अपने लिए वेबसाइट जल्दी से बना पाओ। नाउ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं कि अगर आपको प्रोफेशनली वेबसाइट बनानी है तो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको बेसिक तो बना के दे देगा बट उसको एडिट कैसे करना है वो सब यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए मेरे सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, फ्री में जाके देख सकते हो। नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एआई वेबसाइट बिल्डिंग ट्यूटोरियल। तो पहला स्टेप रहेगा अभी हमारा यहाँ पर होस्टिंग को लेना, एंड वी विल गो टू क्लाउड वेज फॉर दैट, जो कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। टू एक्सेस दैट आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जा सकते हो, go.kripeshadwani.com/cloudways। आज मैं आपको इसी पे पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको यूज़ करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। एंड क्लाउडवेज वही होस्टिंग है जो मैं अपनी खुद के ब्लॉग के लिए kripeshadwani.com के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आ जाना है मेरे नीचे दिए गए लिंक पे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर। एंड इफ़ यू साइन अप फ्रॉम माई लिंक तो आपके लिए मेरे पास कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी है, कुछ कोर्सेज भी है, प्रीमियम थीम भी है। वो क्या एग्जैक्टली मैं दूंगा वो आपको आखिरी में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको अपना पहला नाम डाल देना है, जैसे कि पी, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सरनेम डाल देना है, एंड यू विल एंटर योर ईमेल एड्रेस, फिलहाल के मैं कैसे डेमो ले रहा हूँ, उसके बाद पासवर्ड आप एंटर कर देना है यहाँ पर। उसके बाद गॉट अ प्रोमो कोड पर क्लिक करना है, एंड यू कैन एंटर कृपेश टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई एग्री, यू कैन क्लिक स्टार्ट। उसके बाद ये आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा, बट बिफोर क्रिएटिंग अ सर्वर हियर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। व्हेन यू क्लिक वेरीफाई, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन पूरा होगा, जब ये दोनों पूरा हो जाएगा उसके बाद ही यू कैन क्रिएट योर सर्वर्स और वर्डप्रेस वेबसाइट भी। एक बार यहाँ पर आपका वेरीफिकेशन हो गया, इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद यू कैन क्लिक गो टू ऐड सर्वर, ऐड सर्वर पर एप्लीकेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है, वर्डप्रेस 6.2.2। उसके बाद नेम योर मैनेज्ड ऐप, इसको हम लोग कर देते हैं एआई वेबसाइट, AI सर्वर, एंड देन फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट डिजिटल ओशन, और जो इसका सबसे छोटा वाला सर्वर है 1 GB का, वी विल टेक दैट। अगर अभी आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है तो इसको ले लेना, अगर आपकी वेबसाइट पे 50,000 के ऊपर ट्रैफिक आ रही है तो यू कैन अपग्रेड टू 2 GB, बट स्टार्ट विथ 1 GB। एंड इसके बाद लोकेशन में जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, जिस कंट्री के सबसे पास है वो वाली कंट्री आपको सेलेक्ट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेन ऑडियंस इंडिया से आ रही है तो बैंगलोर सेलेक्ट कर लो, US से आ रही है तो सेलेक्ट न्यूयॉर्क। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं बैंगलोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये आपके पास चार्जेस बता देगा कि दिस इज़ द मंथली चार्जेस दैट यू विल नीड टू पे टू यूज़ दिस सर्वर, एंड वी विल क्लिक लॉन्च नाउ। उसके बाद ये आपका नया सर्वर बना रहा है, अप्रॉक्स 7 मिनट्स में मेरा पूरा सर्वर रेडी कर देगा। इसका फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सर्वर मिलता है, अनलाइक अदर शेयर्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपका सर्वर बहुत ज़्यादा शेयर्ड होता है, कभी भी डाउन टाइम हो सकता है, वहाँ पर स्पीड आपको इतनी स्टेबल नहीं मिलती है, लोड इतना अच्छा हैंडल नहीं कर पाता है। तो इफ़ यू आर इन टू ई कॉमर्स वेबसाइट, या अगर आपको एक प्रॉपर अपनी वेबसाइट पर स्पीड अच्छी चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी चाहिए, तो क्लाउडवेज इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैट। इसका मैं डिटेल्ड रिव्यू भी कर चुका हूँ, यू कैन फाइंड दैट आउट ऑन माई चैनल एज वेल। अब यहाँ पर हमारा सर्वर बन चुका है, इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे ऑन एप्लीकेशंस कि कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ये हमने हमारी एआई वेबसाइट वाली इंस्टॉल कर ली थी पहले ही, तो ये एआई वेबसाइट आ गई है। इसको और कैसे हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे इसके एडमिन पैनल पर, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये रहा हमारा एडमिन पैनल, यू विल कॉपी द यूज़र नेम जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, आई विल कॉपी इट हियर, एंड देन पासवर्ड ये रहा, आई विल कॉपी इट हियर, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया इसने हमारे लिए। आई क्लिक लॉग इन। इसको अपने डोमेन से कैसे कनेक्ट करना है वो आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्री में मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब ये आ गया हमारा पूरा वर्डप्रेस का पैनल। अब वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है, वर्डप्रेस के अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो यहाँ पर मैं उसके बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का है वो, आप लोग वो जाके देख लेना, तो आपके वर्डप्रेस के बेसिक्स काफ़ी अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि पोस्ट, मीडिया, कमेंट्स, पोस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे एडिट करना है, बेसिक सारे वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। आप लोग वो जाके देख लेना, यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है 2024 के लिए, कुछ महीने पहले ही मैंने उसको रिलीज़ किया है, गो चेक दैट आउट अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता है तो।
अब इसमें हमें पहले इंस्टॉल करना है यहाँ पर एक प्लगइन, विल गो प्लगइन्स ऐड न्यू, एक प्लगइन की हम लोग हेल्प लेंगे एआई वेबसाइट बनाने के लिए, फ्री प्लगइन है, आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना है एक्सेप्ट योर होस्टिंग। आई गो हियर, आई क्लिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स बाय ब्रेन स्टॉर्म फोर्स, आपको ये वाली टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आई क्लिक एक्टिवेट, एक्टिवेट करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास एआई वेबसाइट बिल्डर या क्लासिक, तो अभी हम लोग एआई बिल्डर ही सिलेक्ट करेंगे, हमें हमारी वेबसाइट काफ़ी जल्दी बनानी है, एआई वेबसाइट बिल्डर विल हेल्प इट। तो इनका एक जिप WP करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा, अगेन ये फ्री है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आई क्लिक लेट्स गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री। इसके बाद ये वाला पैनल आ जाएगा, आई क्लिक साइन अप फॉर फ्री हियर, इसके बाद साइन अप विथ ईमेल, यहाँ पर ईमेल डाल दिया है, उसके बाद पासवर्ड डाल दो, अपना नाम डाल दो, आई क्लिक क्रिएट अकाउंट, OTP आपके ईमेल पर आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, आई क्लिक वेरीफाई एंड कंटिन्यू। तो ये रहा जिप WP का पैनल डैशबोर्ड, यहाँ से आपकी AI वेबसाइट बनेगी, उसको बनाने के लिए विल गो टू क्रिएट न्यू कंप्लीट वेबसाइट, नाम डाल देना है, आई एंटर टिफिन बॉक्स, ये मेरा एक रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए मैं बना रहा हूँ रेस्टोरेंट, आई क्लिक कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो आपको प्रॉम्प्ट देना है उसके लिए मैंने यहाँ पर जेमिनाई से लिखवा दिया है कि मेरा बिजनेस क्या है, आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो आप लोगों को भी चाहिए तो ये इस तरह का प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डू लेट मी नो अगर आपको भी जेमिनाई से लिखवाना है तो, या फिर आप लोग खुद ही अपने बेसिक इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, एंड देन इसके बाद इंप्रूव यूजिंग AI पे क्लिक कर देना ताकि वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर ले, विल क्लिक कंटिन्यू। उसके बाद एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया लिंक्स, देन क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पर आपको इमेजेस को सिलेक्ट करना है जो आपकी वेबसाइट में दिखेंगी, तो आई विल सिलेक्ट इमेजेस जो भी मेरे वेबसाइट से रिलेवेंट हो, और अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यू कैन जस्ट सिंपली सर्च हियर इंडियन फूड एंटर। बेस्ट ये रहता है कि आप लोग यहाँ पर अपनी खुद की इमेजेस को अपलोड करो, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो इस तरह से सर्च कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी इमेजेस दिख रही है जो आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये सारी इमेजेस कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे यूज़ होगी, कहाँ पे यूज़ होगी एग्जैक्टली वो AI डिसाइड करेगा, हालांकि आप लोग उसको बाद में चेंज कर सकते हो, सो दैट्स नॉट एन इशू। एंड दिस आई क्लिक कंटिन्यू। अब यहाँ पर AI बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे लिए बना रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन। जो प्रीमियम वाली है ये पेड है, लेकिन जो नॉन प्रीमियम है जिसके ऊपर वाला बैज नहीं है, दिस इज़ फ्री, आई क्लिक हियर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। फ्री में AI में सिर्फ दो प्रॉम्प्ट डालने के बाद इस तरह की आपको वेबसाइट मिल रही है, मेन्यू भी नीचे मिल रहा है, तो दिस इज़ रियली अमेजिंग आई थिंक। इसके बाद यहाँ से आप लोग फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, कलर चेंज कर सकते हो कि किस तरह का आपको यहाँ पे कलर चाहिए, आई क्लिक कंटिन्यू। एंड देन ये सारे फीचर्स तो चाहिए नहीं हमें, हमारे ये बेसिकली प्लगइन्स को ही ऐड कर रहा है, तो ये सारे फीचर्स को नहीं सिलेक्ट करेंगे, आई क्लिक स्टार्ट बिल्डिंग, स्टार्ट बिल्डिंग द वेबसाइट। ये रही हमारी फाइनल वेबसाइट, AI के थ्रू आपकी इस तरह की पूरी वेबसाइट यहाँ पे बन चुकी है, जिसमें सारी चीज़ें हैं, मेन्यूज़ भी यहाँ पर इसने अच्छे से बना दिया है आपके लिए, इसको ऑब्वियसली वी कैन एडिट, ये सब से सारा आपका एडिट हो जाएगा, बट आपके लिए यहाँ पे कस्टमाइज टेम्पलेट बन के पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर एक और वेबसाइट बनाते हैं हमारे ज्वेलरी स्टोर के लिए, तो इसका यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं जेम एंड को, उसके बाद दिस वेबसाइट इज़ फॉर ज्वेलरी स्टोर एंड वी विल क्लिक कंटिन्यू। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको बनाना। अब अगेन यहाँ पर मैंने सेम प्रॉम्प्ट का यूज़ किया है जो पहले यूज़ किया था, बस यहाँ पे मैंने बिज़नेस का नेम चेंज करके कर दिया कि ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस है, तो आप लोग भी यही सेम प्रॉम्प्ट यूज़ कर लो, और जो भी आपका बिज़नेस है उसका नाम यहाँ पे डाल दो, जेमिनाई पे डाल दो, उसके बाद ये आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे देगा, यू कैन एडिट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड विल गो बैक हियर, आई क्लिक एंटर, इम्प्रूव यूजिंग AI। यहाँ पर अगेन यू विल नीड टू एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंटिन्यू। अब इमेजेस में बेस्ट यही रहता है कि आप लोग अपनी इमेजेस अपलोड कर दो, बट क्योंकि नहीं है अभी हमारे पास, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट जस्ट सर्च फॉर फ्यू ज्वेलरी इमेजेस क्विकली, सो दीज आर द फ्यू इमेजेस जो मैंने यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लिए, आई विल क्लिक कंटिन्यू। अब यहाँ पे थीम्स के बाद आपको वाली थीम सिलेक्ट करनी है जिसमें यहाँ पे शॉप नाउ वाला बटन हो, जैसे वाली थीम को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको शॉप नाउ बटन दिख जाएगा, आपको ये वाली थीम सिलेक्ट करनी है ताकि ई कॉमर्स स्टोर यहाँ पर आपका सेटअप हो पाए। अगेन कलर और बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, कंटिन्यू, ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग। तो ये आपका ई कॉमर्स स्टोर इसने मुझे बना के दे दिया है, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लिच ये है कि इसने सिर्फ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ली है, यहाँ पर इसने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी जो इमेजेस जो मैंने दी थी वो सब यहाँ पे इसने इंक्लूड नहीं करी है, जैसे जेम यू 0026 को एक्सपीरियंस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं इसको एडिट नहीं करूँगा क्योंकि
अगेन आपको पता होना चाहिए कि एआई अभी फुल्ली रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छा हो जाए, लेकिन अभी इसने मुझे एक बेसिक सी टेम्पलेट ही यहाँ पे दे दी है। अगर यहाँ पे मैं शॉप पे जाऊँगा तो यहाँ पर ये जो इमेजेस है, ये इमेजेस मैंने नहीं सिलेक्ट करी थी, यहाँ पे आपको गोल्ड वगैरह की इमेजेस दिखनी चाहिए थी, रिंग्स ब्रेसलेट की, और ये जो यहाँ पे नीचे शॉप का ऑप्शन है, चलो ये तो आप लोग एडिट कर लोगे, आपको एडिट करना ही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से सिंपल फिजिकल प्रोडक्ट, आप यहाँ पे कुछ सेल कर रहे हो, तो यू विल गो दिस पेज एंड यू विल गो टू एडिट प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस है और उसकी डिटेल्स है, यू विल एंटर इट हियर। यहाँ पे उसका नाम, उसकी डिटेल्स, इमेजेस वगैरह, प्राइसिंग वगैरह, यू कैन एंटर ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर। अगर अभी आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो ई कॉमर्स के लिए भी मैंने एक रिसेंटली नया वीडियो बनाया है, पूरा ए टू जेड उसमें समझाया है ई कॉमर्स स्टोर को वर्डप्रेस पे कैसे सेटअप करना है, वो जाके देख सकते हो अगर डिटेल में आपको समझना है तो। बाकी एडिट वगैरह करना हो तो यू कैन गो टू एडिट पेज। उसके बाद ये ब्लॉक एडिटर को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए अगेन जो मेरा वर्डप्रेस वाला वीडियो है वो जाके देख लो, यहाँ पर वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इन सब को यूज़ करना है आपको। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इसने ई कॉमर्स की वेबसाइट अच्छे से नहीं बनाई है, जो नॉर्मल वाली वेबसाइट्स होती है एजेंसी के लिए या ऐसे रेस्टोरेंट के लिए, जो सिंपल वेबसाइट्स है, अभी एआई वो अच्छे से आपके लिए क्विकली बना देगा। यहाँ पर इसने ब्लॉग भी दे दिया है तो दैट इज़ गुड, बट ई कॉमर्स के लिए अच्छी नहीं बना रहा है। उसके लिए आई रिकमेंड कि शॉपिफाई यूज़ कर लो। वर्डप्रेस पे जाना है तो उसका मेरा ट्यूटोरियल है, तो आपको वहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शॉपिफाई का ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा, डू वेट फॉर दैट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके क्लाउडवेज लोगे, go.kripeshadvani.com/cloudways, तो आपको क्या क्या चीज़ें फ्री में मिलेगी। सबसे पहले आपको क्लाउडवेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री में मिल जाएगा, क्लाउडवेज को कैसे यूज़ करना है, ईमेल कैसे क्रिएट करना है, कैसे डोमेन को सेटअप करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सब मैंने उसके हिंदी ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में बनाए हैं, वो आपको पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद एक लाइटनिंग ब्लॉक्स करके कोर्स है, अगर आपको ब्लॉगिंग में और जाना है और वेबसाइट क्रिएशन में जाना है कि वेबसाइट को कैसे बनाए, वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, तो यू कैन वॉच दिस कोर्स, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। इन दो फ्री कोर्सेज के साथ में आई विल ऑल्सो गिव यू वन प्रीमियम थीम, और अगर आपको ये सब फ्री में चाहिए तो आपको मेरे लिंक से परचेज करना है, कूपन कोड का यूज़ करना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको ऑथराइज करना पड़ता है अपना पेमेंट मेथड। एक बार आपने ऑथराइज कर दिया तो जिस टाइम पे किया है और जिस दिन किया है आपको वो अपना दिन, डेट और टाइम हमें मेल कर देना है team@kripeshadvani.com के ऊपर। उसके लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन डालनी है क्लाउडवेज प्लस प्रीमियम थीम। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपने ये वाले वीडियो को देख के लिया है, तो आपको दोनों कोर्सेज और प्रीमियम थीम फॉर फ्री मिल जाएगा। ध्यान रहे लिंक पे क्लिक करके नया अकाउंट बनाना है और अपने पेमेंट को ऑथराइज करना है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे सिर्फ आपको एक ग्लिम्स देनी थी कि एआई के थ्रू आप लोग कैसे वेबसाइट बना सकते हो फ्री में, कौन कौन से टूल्स है, उसको कैसे यूज़ करना है, बस आपको प्रॉम्प्ट देना रहता है, वो आपके लिए वेबसाइट बना देगा। एंड आई होप कि आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा।